सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डायलिसिस जो कैथेटर डलता है। जब पेशेंट पहली बार आता है उसे जो डायलिसिस क्लैंड डलती है, सबसे पहले देखो आईजे डाला जाता है अगर पेशेंट स्टेबल है तो, ठीक है। आईजे कैथेटराइजेशन किया जाता है उसे। अगर पेशेंट स्टेबल नहीं है, चल नहीं सकता है, ठीक है, मूव नहीं कर सकता है, ऑक्सीजन पे है, तो उसको हम फीमोरल कैथेटर डालते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईजे कैथेटर कैसे डलता है पहली बार जो पेशेंट को डायलिसिस पे आता है। इस वीडियो पे हम एम करते हैं 500 लाइक का, तो सभी लाइक का बटन सबसे पहले दबा दें। वीडियो को स्टार्ट करें। तो गाइस, सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया देना होता है जो 1 से 2 ml ही जाएगा, ठीक है। और इधर ट्रे में सारा सामान रेडी कर लिया है, और आप लोगों को पता है ये लाइन जो है जुगलर वेन में डलती है, तो इसलिए आपको अल्ट्रासाउंड में क्या देखना है, जुगलर वेन देखना है, ठीक है। मैं आपको पूरा प्रोसीजर एकदम समझाता रहूँगा हैंड टू हैंड। तो सबसे पहले हम लोग सिरिंज और इंट्रोड्यूसर निडल लेंगे, जिससे हम लोग वेन को प्रिक करते हैं और फिर हम गाइड वायर एंटर करते हैं। तो आप वीडियो में देखते रहेंगे, तो लेकिन लाइक का बटन सबसे पहले सभी दबा दें, क्योंकि स्टार्टिंग में लाइक का बटन जब आप दबा देते हैं तो इससे वीडियो की रीच बढ़ जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक का बटन सबसे पहले दबा दें, ठीक है। तो चलिए इंट्रोड्यूसर निडल से देखो, पहले हम अल्ट्रासाउंड रीड देखेंगे। मैंने आपको क्या कहा था कि देखो अल्ट्रासाउंड रीड देखने से ये होता है कि पेशेंट के लिए बेनिफिट होता है कि उसकी आर्टरी वगैरह नहीं पंचर होती है, क्योंकि हमें वेन में डालना है, इंट्राजुगुलर वेन के अंदर। तो देखो आप जो लार्ज वाली आपको सर्कल दिख रहा है, क्योंकि इसमें अल्ट्रासाउंड में कट करके दिखाया जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया दिखाया जाता है, तो जो प्रेस हो रही है और जो लार्ज है वो आपका क्या है, इसमें वेन है, इजीली दिख रहे होंगे, क्योंकि वेन की जो वॉल होती है वो थिन होती है कंपैरिजन देन आर्टरी। आर्टरी की वॉल क्या है, थिक होती है, तो वो प्रेस नहीं होती, इसलिए वेन की प्रेस होती है। अब देखिए वेन की जैसी हम उसमें दिख रहा है निडल, ठीक है, और जैसे इसमें ब्लड आ जाएगा समझ लो वेन के अंदर आपकी ये आ गई। और इसका कलर से भी आप पता लगा सकते हो, कलर ज़्यादा ही लाइट है तो वो आर्टरी में गया है, वेन में आपको डार्क कलर ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो गाइड वायर इसके अंदर डाल देंगे और इसके बाद फिर कैथेटर इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा इस हार्ड प्रोसेस नहीं है, अगर आप लोगों कभी नहीं किया तो किसी की सुपरविज़न में आपको ज़रूर करना है जिसे आता हो, आप इंडिविजुअली नहीं करेंगे इस वीडियो को देखकर, ठीक है। ये वीडियो जस्ट ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए बनाई जाती है, कोई ऐसे नहीं है कि कोई ट्रीटमेंट हम आपको बता रहे हैं तो आपको सेम वैसे ही करना है, आपको अपने इसे हमेशा सुपरविज़न में करना है, ठीक है। सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताई जाती है, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो जानते नहीं हैं, स्टूडेंट होते हैं, स्टाफ होते हैं, नर्सेज होती हैं, जो सिर्फ देखना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियोज़ बनाई जाती हैं, ठीक है। तो अब कैथेटर आ गया और गाइड वायर से एक बार डायलेट करके, दो इसमें डायलेटर होते हैं हमेशा, ठीक है, एक छोटे वाला होता है जिससे स्किन थोड़ी डायलेट हो जाए और प्रॉपर तरीके से कैथेटर अंदर चला जाए इजीली, क्योंकि कैथेटर जो होता है उस वो क्या होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है कंपेरिजन डायलेटर, ठीक है। डायलेटर थोड़े हार्ड होते हैं तो ये ईजिली इसके अंदर चले जाते हैं, इसके बाद फिर कैथेटर जाने में दिक्कत नहीं होती है। तो डायलेटर ये दूसरे वाला है, इसके बाद डायरेक्ट कैथेटर इसमें इंसर्ट किया जाएगा गाइड वायर के अंदर, ठीक है। ये एट द एंड आपका कैथेटर है जिससे डायलिसिस स्टार्ट किया जाएगा। जब फर्स्ट टाइम कोई पेशेंट आता है तो ये कैथेटर उसे डाला जाता है, DLF उसे डाला जाता है फिमोरल पैर के अंदर, उसको डलता है जो स्टेबल नहीं होता है पेशेंट, ठीक है। जो पेशेंट चल सकता है, बैठ सकता है, ठीक है, जिसको ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसको नॉर्मली ये वाला कैथेटर डलता है, आईजे कैथेटराइजेशन होता है उसका। तो जैसे ही फ्लो आ जाएगा क्लैंप कर देंगे, जैसे अभी क्लैंप कर दिया गया है, और इसे पूरा अंदर इंसर्ट कर देंगे, तो फाइनली ये रेडी है, ठीक है। अगर आपको बस इसमें सूचर कर दिया जाएगा और ये हम डायलिसिस से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको देखना डायलिसिस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, तो वो भी वीडियो चैनल पर डली हुई है, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाए, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं।